पे फॉलो करेगा और अपने भाई को दुआओं में याद। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे तो दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। काफ़ी दिनों के बाद हाज़िरी हो रही है तो अभी तकरीबन क्यों सुबह एक बार उठता हूँ और दोबारा सो जाता हूँ। तो अभी उठा हूँ तकरीबन 8 बजे हुए हैं तो नाश्ता भी मैंने अभी तक नहीं किया है तो इसी वजह से कुछ आवाज़ ऐसी हो रही है और सुस्ती सी हो रही है अभी भी। जुमे के दिन का काम था वो मैं रात ही करवा के आया था। बाल वगैरह कटिंग करवा के आया था और सफाई वगैरह करवा के फेशियल करवाया था तो इसलिए कुछ तब्दीली नज़र आ रही होगी क्योंकि फेशियल से कुछ दिन अच्छे गुजर जाते हैं तो वो मैंने रात करवाया था। अभी नीचे चलते हैं नाश्ता वगैरह देखते हैं क्यों नाश्ता अभी तक मैंने किया नहीं है। नीचे जाके पता चलेगा बना क्या है, नाश्ता तैयार भी है कि नहीं है। ये पैकेज करवाने गया था मैं दुकान पे तो मंडी के अंदर है ये दुकान जिसकी वजह से रश काफ़ी था। ये कल से पैकेज ख़त्म हो रहा था मेरा तो काफ़ी तंगी हो रही थी तो इसी वजह से मैंने सुबह सुबह अभी पैकेज लगवाने गया था। ये इसमें से एक एलोवेरा काटेंगे हम, वो बालों पे लगानी है इसीलिए इसको एक पीस काटते हैं इसमें से। ये छोटा सा है, एक और काट लेते हैं। बच्चों के बालों पे लगानी है वो नीचे मामी जी ने मंगवाई थी तो इसी वजह से मैं काट के दे के आया हूँ। अभी मैंने घर में बात करनी है वीडियो क्यों 2-3 दिन से हुई नहीं है। कल वैसे पैकेज नहीं था, परसों टाइम नहीं मिला तो अभी अम्मी जान की कॉल आई थी, वैसे दूसरी कॉल आई थी मोबाइल पे तो मैंने उनको कहा मैं वीडियो कॉल करता हूँ तो इसी वजह से ऊपर आया था। अभी इधर बैठ के बात करते हैं फिर जुमे वगैरह की तैयारी करेंगे। अभी से ही बस कपड़े वगैरह ही इस्त्री करने हैं, बाकी तो हमारी क्या तैयारी होनी है तो बस कपड़े वगैरह ही इस्त्री करने होते हैं जुमे वाले दिन। और उसी की टेंशन होती है क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन ये कपड़े इस्त्री करना होती है जो सबसे मुश्किल काम है अक्सर अक्सर के लिए होता है ये मुश्किल काम है कपड़े प्रेस करना। लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्यों तकरीबन 15 से 17 साल से मैं अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर रहा हूँ और तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, तरीका भी होना चाहिए तो ज़बरदस्त। तो बस अभी बात कर लें फिर आप दोस्तों से भी बात करेंगे। अभी ये दो सूट लेके आया हूँ नीचे से लेकिन ये करूँगा और ये रखेंगे साइड पे कि मेरे कपड़े नीचे पड़े हुए थे इसीलिए अभी लेके आया हूँ।
कपड़े हमारे प्रेस हो चुके हैं, बस अभी जुमे की तैयारी करनी है जल्दी जल्दी से। तो बस ये राबन डालूंगा, उसके बाद नहाने की तैयारी फुल। एक बजे जुमा होगा लेकिन तकरीबन 12:15 हो चुके हैं और नहाने में तकरीबन 10 की मिनट लग जाएंगे, 10-15 मिनट। तो बस अभी जल्दी से नहाते हैं और ये अभी जुमे की पहली अजान हो रही है, 1 बजे वाला जुमा पढ़ेंगे हम। हाँ दियापी, कपड़े बदल लिए? क्यों, कब बदलने, कब तक करोगे? नहीं हाँ जुमे की तैयारी तो हो चुकी है लेकिन अभी टाइम पड़ा है 10-15 मिनट, तो नीचे जाके इंतज़ार करते हैं। अभी तकरीबन टाइम पड़ा है तो इसीलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं इसी इधर ही, तो फिर चलेंगे। जुमे की नमाज़ के बाद मैंने खाना खाया तो उसके बाद सो गया था, तो बड़ी मज़े की नींद आई थी। अभी उठा हूँ, तकरीबन 10-15 मिनट हुए हैं तो ऊपर आया था। अभी बस मुँह हाथ धोने हैं, क्यों सुस्ती सी है और चेहरा भी मुरझाया सा हो रहा है। घर में कोई भी नहीं है, सब पार्क में गए हैं, तो मुझे भी कहा था लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था आज कहीं जाने को, मूड ही नहीं बना है। क्यों, मूड हो तो फिर मज़ा आता है। अभी निकले हैं घर वाले भी। मैं रात को इधर ही सोता हूँ, चारपाई इधर ही बिछाता हूँ, ये तो आज टाइम से बिछा लिया क्योंकि मैं अभी ऊपर ही बैठने का मूड बन रहा था मेरा, तो इसलिए ऊपर ही बैठने लगा हूँ थोड़ा सा टाइम। क्या चाहिए? बस अभी टाइम काफ़ी हो रहा है तो आराम करने का टाइम है अभी, तो अभी मैं ऊपर चलता हूँ। खाना खाने की नीयत से नीचे आया था तो वो खा ली है। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त हो, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।